बलरामपुर में नकदी व जेवर समेत हजारों की चोरी हुई है। आपको बता दें, बीती रात बेखौफ चोरों ने एक मकान को अपना निशाना बनाया। मकान के पिछले दरवाजे से घुसी चोरों ने नकदी व जेवर पर हाथ साफ कर दिया। ये घटना उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर के कोतवाली देहात अंतर्गत ग्राम सभा इधरिया के मजरा सेवक राम पुरवा की है, जहाँ पर बीती रात राम कृपाल शुक्ला के यहाँ मकान के पिछले दरवाजे को तोड़कर चोर अंदर घुसाए तथा घर में रखा हुआ सारा जेवर तथा नकदी उठा ले गए। चोरी की घटना का पता लगने पर पीड़ित ने कोतवाली देहात बलरामपुर में इस संबंध में तहरीर दी है। अब देखना ये होगा कि बलरामपुर पुलिस इस चोरी की घटना का पर्दाफाश कर पाने में सफल होती है या फिर नहीं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए गिरीश कुमार की रिपोर्ट, बलरामपुर। जनपद सुल्तानपुर की तहसील कादीपुर के ब्लॉक अखंड नगर के ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर नसबपुर जगदीशपुर जमालपुर के लोगों ने खुशी मनाई। साथ ही आपको बता दें, जयप्रकाश सिंह ने अपने मकान पर निर्मल चौबे के द्वारा हवन पूजन भी किया। साथ ही लोगों ने बताया कि 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। विश्व भर में 5 अगस्त ऐतिहासिक दिन के साथ राष्ट्रीय एकता का प्रतीक के रूप में भी मनाया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से श्री राम मंदिर की नींव की ईंट रखी गई है। सैकड़ों वर्षों के राम भक्तों के संघर्ष व बलिदान का सुखद प्रतिफल देश में देखने को मिला है। साथ ही सनातन संस्कृति व करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक श्री राम के मंदिर का सपना साकार हो गया है। साथ ही लोगों ने भगवान का दीप प्रज्वलित कर हर्षोल्लास के साथ ही उत्तरकांड पाठ और हवन पूजन किया। साथ ही मिष्ठान भी बांटी गई। इस अवसर पर प्रेम सिंह, राहुल पवन, विपुल सिंह, सदानंद गिरी आदि लोग मौजूद रहे। क्या नाम है? अच्छा, इस माहौल पे आप किस हिसाब से रखे हैं प्रोग्राम में? हम लोग राम जन्मभूमि का जो नाथ मोदी जी ने किया है। अच्छा अच्छा, हिंदुत्व की और सनातन धर्म की जो है 500 वर्षों की संघर्ष की गाथा की विजय है, उसके उपलक्ष्य में आज हम लोग जो है ये जो इतना वर्षों से पड़ा हुआ था उसका शिलान्यास के लिए आप उपलब्ध किए हैं। हम लोग का सबका सबकी इच्छा थी सभी ग्रामवासियों की। हम लोग प्रार्थना ईश्वर से करते हैं कि राम लला वहाँ विराजमान हो, विश्व में राम के नाम का पताका फहराए और सबके सनातन की जीत हो। फिर कभी ऐसा दिन देखना नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान देते हुए आपने ऐसा कार्यक्रम रखा है ना? सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया है और बहुत सारे बहुत छोटे मोटे आयोजन किया गया है, नहीं तो विशाल प्रोग्राम करने की योजना थी महिला जी द्वारा, लेकिन फिलहाल इसको बहुत सीमित हुआ। ये किस जगह पर हुआ है? मेवानगर ब्राह्मणपुर ग्राम सभा हमारी बाजार है, 4-5 ग्रामों के बीच में। चलिए ठीक, ये लोगों क्या संदेश देना चाहते हैं आप इसके बारे में? यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने धर्म अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए जहाँ भी जैसा भी मौका मिले, जब भी आपको मौका मिले छोटा बड़ा, हमेशा प्रयास करते, हमेशा सेवा करते रहेंगे आप। प्रयास करते रहिए जिससे जो हमारी जो संस्कृति वो कमजोर ना पड़े। ठीक, थैंक यू। किस जगह पर हुआ है? मेवानगर बराहिलपुर। अच्छा, ग्राम सभा बाजार मेवानगर। क्या नाम है? जयप्रकाश। ये किस कार्यक्रम करवाएं आप? कार्यक्रम जो आपका किस उपलक्ष्य हुआ है? अच्छा, भूमि पूजन के लेके आप उनके खुशी माहौल पे आपने ये करवाया पूजन? जी, भगवान राम। अच्छा अच्छा, वहाँ भूमि पूजन हुआ। लोगों क्या संदेश देना चाहते हैं इसके बारे में, मंदिर के बारे में? इसके बारे में यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग भगवान राम अपना आज करीब इतने दिनों से मंदिर बन गया, इसी उपलक्ष्य में हम लोग महान खुशी के नाते लोग सोचेंगे। ठीक। टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए परमानंद की रिपोर्ट, सुल्तानपुर।